नमस्कार दोस्तों, आपका अभी टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर रियलमी 2 प्रो भी रियलमी 3 प्रो के जैसे 64 मेगापिक्सल्स पे शॉट क्लिक कर सकता है या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने कैमरा को ओपन करना है। जब आप अपने कैमरे को ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपर्ट मोड देखने को मिल जाएगा। आपको एक्सपर्ट मोड में जाना है, फिर आपको यहाँ पर एक टॉप में ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे। जब आप इसको एनेबल कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन टाइप आता है, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा एचडी मोड हैज़ बीन ऑन। मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से दिखाता हूँ इसको ऑफ करके और यहाँ पर फिर से ऑन करके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्ट्रा एचडी यहाँ पर ऑन हो चुका है, जो कि यहाँ पर रियलमी 3 प्रो में भी कुछ इसी तरह का प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी सिंपली एक गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद मैंने आपको यहाँ पर एक दो सैंपल्स मैंने यहाँ पर क्लिक करे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड, जो यहाँ पर जो पहले वाला सैंपल मैंने क्लिक करा है उसका साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो मैंने नॉर्मल मोड में क्लिक करा है तो इसका साइज है 4608x3456 pixels, मतलब यहाँ पर 12 megapixel पे या फिर 16 megapixel में यहाँ पर फोटो क्लिक हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर रियलमी 2 प्रो में दिया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक अल्ट्रा एचडी में फोटो क्लिक करी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके अबाउट में आपको दिखाता हूँ, तो आप इसका साइज देख सकते हैं, जिसका साइज यहाँ पर मेंशन करा गया है 9216x6912। अगर आप इसको यहाँ पर गूगल भी करते हैं तो आपको 64 megapixel का यहाँ पर साइज देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अल्ट्रा एचडी और नॉर्मल फोटो में यही डिफरेंस होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ज्यादा जूम नहीं कर पाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वापस अपने थोड़ा सा वापस चला जाता है, पूरा जूम नहीं होता है। मगर जो अल्ट्रा एचडी वाला फोटो यहाँ पर मैंने क्लिक करा है, ये यहाँ पर पूरा जूम हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यही डिफरेंस हो जाता है कि यहाँ पर आप ज्यादा फोटोज को जूम कर पाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि यहाँ पर ज्यादा डिटेलिंग हमें यहाँ पर फोटोग्राफ में देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि रियलमी यहाँ पर फेक एडवर्टाइजिंग कर रहा हो 64 मेगापिक्सल के लिए, क्योंकि यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का यहाँ पर डिवाइस अवेलेबल है, जो कि रेडमी नोट 7 प्रो है। तो उसको डायरेक्ट कम्पीट करने के लिए रियलमी ने यहाँ पर अपने एक्सपर्ट मोड को यहाँ पर एडवर्टाइज कर दिया है, जिसको हम यहाँ पर 64 मेगापिक्सल यहाँ पर कहा जा रहा है रियलमी 3 प्रो में। मगर फ्रेंड्स, यही ऑप्शन यहाँ पर आपको रियलमी 2 प्रो में भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पर पीछे से भी देख सकते हैं, ये रियलमी 2 प्रो डिवाइस है और ये कलर ओएस 5.2 में चल रहा है। तो ये ऑप्शन हमारे डिवाइस में अवेलेबल है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये सच्ची में 64 मेगापिक्सल का शॉट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पर रियलमी 3 प्रो में यहाँ पर फेक एडवर्टाइजिंग करी जा रही है 64 मेगापिक्सल को लेके। सो फ्रेंड्स, यही एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर 64 मेगापिक्सल शॉट्स यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर रियलमी 2 प्रो से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर पता नहीं है कि क्या रियलमी यहाँ पर सही एडवर्टाइजिंग कर रहा है गलत, क्योंकि यहाँ पर आपने लाइव प्रूफ देखा है कि 64 मेगापिक्सल का शॉट यहाँ पर रियलमी 2 प्रो में भी अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।